नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लर्निंग ऑनलाइन यूट्यूब चैनल। मैं आपके साथ रोहित। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि इंडियन बैंक जो कि एक सरकारी बैंक है, इसका इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग और टेली बैंकिंग एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरा जाता है हिंदी में। तो पहले इसके लिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो भाई सबसे पहले हम जानते हैं कि इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग या टेली बैंकिंग सर्विस है वो आखिर है क्या। देखिए बेसिकली एक ऐसी सर्विस जिसके तहत आप जितने भी बैंकिंग ट्रांजेक्शन है इसे ऑनलाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये अपॉर्चुनिटी है जो बैंक आपको देता है कि जितने भी बैंकिंग ट्रांजेक्शन आप इसे ऑनलाइन कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि फंड ट्रांसफ़र करना है एक अकाउंट से दूसरे बैंक बैंक अकाउंट में, आप पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हो, ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो, कार्ड से पेमेंट कर सकते हो, जितने भी बैंकिंग प्रोडक्ट है जैसे कि ATM हो गया, चेकबुक होगी, पासबुक हो गई, इसके लिए आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हो ऑनलाइन जो आपके घर पे डिलीवर कर दिया जाता है, ठीक है। और भी ऐसी कई चीज़ें हैं, ठीक है, जैसे कि लोन के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, सेविंग बैंक अकाउंट के लिए अप्लाई कर सकते हो ऑनलाइन। तो ये बहुत सी सर्विस है जो आप ऑनलाइन कर सकते हो अगर आपके पास इंटरनेट बैंकिंग है। तो पहले अगर आपके पास इंटरनेट बैंकिंग है तो अच्छी बात है, और अगर आपके पास नहीं है तो आप इस फॉर्म को भर के इंटरनेट बैंकिंग के लिए अप्लाई कर सकते हो, जिसके बाद आपको एक यूज़र नेम और पासवर्ड दिया जाएगा, जिसके बाद आप इंटरनेट बैंकिंग साइट में, ठीक है, इंडियन बैंक की जाके अपने जितने भी ट्रांजेक्शन है, ठीक है, उसे आप ऑनलाइन कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए अब सीखते हैं कि इस फॉर्म को आपको कैसे भरना है, ठीक है। तो इस फॉर्म का जो लिंक है मैं, ठीक है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए फाइनली सीखते हैं कि इस फॉर्म को आपको कैसे भरना है। तो वेल यहाँ पे आप टॉप में देख सकते हैं लिखा है इंडिविजुअल जॉइंट। तो अगर सिंगल अकाउंट है तो आपको इंडिविजुअल पे टिक लगाना है, अगर जॉइंट खाता है तो जॉइंट पे आपको टिक लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा है इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग और टेली बैंकिंग, ठीक है। तो जो भी सर्विसेज आप लेना चाहें उसमें आप टिक लगा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इंटरनेट बैंकिंग पर टिक लगाना है, ठीक है। जितने भी तीनों सर्विस हैं ये लगभग सेम तरह से परफॉर्म करती है, सब में आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इंटरनेट बैंकिंग पे टिक लगाना है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ इंडियन बैंक, यहाँ पे आपको अपनी होम ब्रांच का नाम लिख देना है, CIF नंबर ये आपको अपनी पासबुक में लिखा होगा, या अपनी ब्रांच से आप कंसल्ट कर सकते हैं, वो आपको आपका CIF नंबर दे देगी, ठीक है। यहाँ पे मिस्टर मिस जो भी आपका टाइटल है वो आप यहाँ पर टिक लगा दीजिएगा, अपना अकाउंट नेम आपको यहाँ पर मैंशन कर देना है, उसके बाद सन, डॉटर, वाइफ, ठीक है, जो भी आप जिसका भी आप यहाँ पर नाम मैंशन करना चाहते हैं उसका टाइटल आप यहाँ पर रिलेशनशिप यहाँ पर टिक लगा सकते हैं, और उसके बाद अपने फैमिली मेंबर का यहाँ पे आपको नाम डाल देना है, ठीक है। उसके बाद नीचे आएंगे, ठीक है, यहाँ पे आपसे पूछा ऑक्यूपेशन, जो भी आपकी ऑक्यूपेशन पेशा है वो आप यहाँ पे लिख दीजिएगा, डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे लिख देना है आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है। उसके बाद यहाँ से फिर से आपको चूज़ करना है इंटरनेट बैंकिंग, फ़ोन बैंकिंग या मोबाइल बैंकिंग, जो भी आप सर्विस लेना चाहते हैं वो आप ले लीजिएगा, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर इंटरनेट बैंकिंग पर यहाँ पर हम टिक लगा देंगे, अगर आप जॉब करते हैं तो अपने ऑफिस का एड्रेस यहाँ पर आपको लिख देना है, ठीक है, पिन कोड लिख देना है, ठीक है, और अगर जॉब नहीं करते घर का एड्रेस है तो रेसिडेंट एड्रेस में अपना घर का एड्रेस यहाँ पर लिख दीजिएगा, पिन कोड अपना यहाँ पे लिख देना है, फैक्स नंबर अगर आप है तो फैक्स नंबर लिख दीजिएगा, अपने 11 डिजिट का अल्फा न्यूमरिक पैन कार्ड का नंबर आपको यहाँ पे मेंशन करना है, मोबाइल नंबर सबसे मैंडेटरी है वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है, क्योंकि मोबाइल पे SMS आता है, OTP आता है, तो वो नंबर आपको यहाँ पे मेंशन करना है, ठीक है। ईमेल आईडी यहाँ पे मेंशन कर देना है, सिटी का नाम आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है, ठीक है। उसके बाद अपनी होम ब्रांच का नाम आपको डाल देना है, यहाँ पर अपना अकाउंट नंबर, सेविंग या करेंट है वो आपको यहाँ पर मैंशन करना है, उसके बाद सेविंग टाइप आपको यहाँ पर मैंशन करना है, किस टाइप का अकाउंट है, सेविंग बैंक है तो SB, करेंट है तो करेंट अकाउंट, और अगर FD अकाउंट है, ठीक है, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट है तो TD पे आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है। उसके बाद मोड ऑफ ऑपरेशन पे यहाँ पे लिखा है कि सिंगल अकाउंट है तो आपको सिंगल पे यहाँ पे लिख देना है, मेंशन करना है, और अगर जॉइंट खाता है तो यहाँ पे जॉइंट अकाउंट यहाँ पे लिख देना है। तो मुझे उम्मीद है इतना आप समझ गए होंगे, आगे चलते हैं। यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन ये आपको फुलफिल करना है, ठीक है। सबसे पहले ये लिखा है कि आपको मिनिमम बैलेंस मेंटेन करके रखना है, और आप बैंक को परमिशन देंगे कि जो भी चार्जेस इंटरनेट बैंकिंग के हैं वो आपके अकाउंट से काट सके, ठीक है। तो इनको आपको अवॉइड करना है। सेकेंड लाइन पर आपको यहाँ पर अपना अकाउंट नंबर लिख देना है, अपनी ब्रांच का नाम यहाँ पर मैंशन कर देना है, ठीक है। अगर जॉइंट खाता है, ठीक है, तो ये आपको टर्म्स एंड कंडीशन है, ये इसको आपको फॉलो करना होगा, ठीक है। दो प्राइमरी अकाउंट होल्डर है, ठीक है, जो फर्स्ट अकाउंट होल्डर है उसको यहाँ पे डेट यहाँ पे मेंशन करनी है, और यहाँ पे अपना सिग्नेचर करना है, ठीक है। तो ये सिग्नेचर होगा जो प्राइमरी एप्लीकेंट है, यानी कि जो पहला एप्लीकेंट है, ठीक है। तो वेल हम आ चुके हैं फॉर्म के पार्ट टू पे, यानी कि पेज टू पे, चलिए देख लेते हैं यहाँ आपको एंट्रीज कैसे भरनी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा होगा फॉर ऑफिस यूज ओनली, तो ये एंट्रीज आपको नहीं भरनी है, नीचे आना है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंडेट फॉर्म फॉर जॉइंट अकाउंट होल्डर,
तो अगर ये जो अकाउंट है आपका जॉइंट अकाउंट होल्डर है, और अगर आप चाहते हैं कि आपका जो जॉइंट अकाउंट होल्डर है दूसरा वाला उसको भी इंटरनेट बैंकिंग यूज़ करनी है, तो उसकी डिटेल आपको अब यहाँ पे फिल करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे CIF नंबर है 9 डिजिट का, ठीक है, ये आपकी पासबुक में लिखा होता है। ठीक है, अगर नहीं लिखा तो आप अपने बैंक से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, वो आपको आपकी CIF नंबर प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, वो आप यहाँ पे मेंशन कर देना। ठीक है, फ्रॉम मिस्टर या मिस जो भी आपका दूसरा अकाउंट होल्डर है उसको सबसे पहले अपना टाइटल चूज करना होगा, उसके बाद अपना पूरा अकाउंट नेम और एड्रेस यहाँ पे मेंशन करना होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ब्रांच निकल अपनी होम ब्रांच का नाम आपको यहाँ पे डाल लेना है। ठीक है, उसके बाद डियर सर के नीचे आप देख सकते हैं यहाँ लिखा है सेविंग करेंट या टर्म डिपॉजिट। ठीक है, जो भी आपका अकाउंट है वो आप यहाँ पे टिक कर लेना। उसके बाद टिक करने के बाद अपना अकाउंट नंबर है आपको यहाँ पे मेंशन कर देना, जो भी सेविंग या करेंट है वो टिक करने के बाद आप यहाँ पे मेंशन कर देना। ठीक है, उसके बाद अपना यहाँ पे सबसे पहले आपको टाइटल चूज करना है मिस्टर या मिस। उसके बाद जो प्राइमरी अकाउंट होल्डर है यानी कि जो पहला अकाउंट होल्डर है जिसकी डिटेल आपने यहाँ ऊपर मेंशन की, ठीक है, उसको अपना नाम यहाँ पे डाल देना है जो भी उसका अकाउंट नेम है, और दूसरा अकाउंट होल्डर को अपना टाइटल चूज करने के बाद मिस्टर मिस में अपना नाम यहाँ पे डाल देना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ब्रांच का नाम डाल देना है जहाँ आपका अकाउंट खुला है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आई पे टिक लगाना है, उसके बाद मिस्टर मिस का टाइटल आपको चूज करना है, और जो दूसरा अकाउंट होल्डर है ठीक है जिसके डिटेल आप यहाँ पे भर रहे हैं उसका नाम आपको यहाँ पे मेंशन करना है। ठीक है, यहाँ भी दूसरे वाले अकाउंट होल्डर का नाम होगा, और यहाँ थर्ड लाइन भी दूसरा वाला अकाउंट होल्डर का नाम आपको यहाँ पे मेंशन करना है टाइटल चूज करने के बाद। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है सिग्नेचर ऑफ जॉइंट अकाउंट होल्डर्स। ठीक है, तो यहाँ पे पहला अकाउंट होल्डर को साइन करना है और यहाँ पे दूसरे अकाउंट होल्डर को साइन करना है। ठीक है, यहाँ पे अपना कैपिटल लेटर में नाम लिख देना है। ठीक है, कोई भी पेन से इस फॉर्म को भर सकते हैं, चाहे ब्लू से भरना चाहे चाहे ब्लैक से भरना चाहे। ठीक है, लेकिन कोशिश करिएगा पेन जो हो डॉट पेन हो। ठीक है, तो यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशन दिए हैं, इसे ज़रूर पढ़िएगा। ठीक है, इसके बाद ये फॉर्म पूरी तरह से भर चुका है, इस फॉर्म को आपको अपनी होम ब्रांच में जो है सबमिट कर देना है। ठीक है, आपको आपके इंटरनेट बैंकिंग जो किट है वो प्रोवाइड कर दी जाएगी, जिसमें आपका यूजर नेम और पासवर्ड होता है, जिसके बाद आप अपना एक अकाउंट बना सकते हैं और उसके बाद सारे ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी, और इससे जुड़ा अगर आपको आर्टिकल पढ़ना है तो मेक श्योर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन मैंने उस वेबसाइट का लिंक दे रखा है, मेक श्योर आप उस वेबसाइट को ज़रूर विजिट करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।